हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है ऑल इंडिया 15% कोटे के लिए। तो जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उन स्टूडेंट के लिए जो EWS से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। उनको 20% सेकेंड राउंड में सीटें बढ़ चुकी है, वो आपको पोर्टल पर शो करेगा। आप जो EWS कोटे से हैं वो EWS के कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। उनको 20% सीटें इंक्रीज हुई है। साथ में अभी एक है स्टूडेंट के लिए, जो नया स्टूडेंट है वो जाए पहले नंबर रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट करना है। और इसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस, तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। तो इसमें सारे डिटेल्स ऊपर में डालना है। इसके बाद नीचे दिया हुआ है EWS, तो EWS में यहाँ पे दिया हुआ है डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, तो आपको यस करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो इसमें एक नोटिस दिया हुआ है, नोट है उसको पढ़े आप। इफ़ यू क्लेम EWS कैटेगरी बेनिफिट, नो अदर कैटेगरी बेनिफिट विल बी अप्लीकेबल फॉर योर अलॉटमेंट ऑफ सीट। आपको सीट अलॉट होने के बाद EWS से आपको अदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में आपको मैं बताऊँ कब से स्टार्ट काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है सेकेंड राउंड का, और कब फी पेमेंट करना है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊँगा। इससे पहले मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग से यदि वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें अगर लग रहा है कि सीटें नहीं मिलेगी, या गवर्नमेंट हो या डीम्ड हो या प्राइवेट हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सर्विस ले सकते हैं। इसका कुछ चार्जेज है, लेकिन आपको चार्जेज के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करा के दी जाएगी काउंसलिंग के थ्रू ही। ऐसा कोई फंडा नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कि विदाउट काउंसलिंग आपको सीट मिलेगा। तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट राउंड का तो काउंसलिंग समाप्त हुआ है। फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकेंड राउंड का जो स्टार्ट हुआ है, 11 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगा, शाम 5 बजे तक। और इसमें जो चॉइस फिलिंग विल स्टार्टेड, मतलब कल से चॉइस फिलिंग आपको स्टार्ट होगा, यानी कि 12 जुलाई से। और पेमेंट का जो फैसिलिटी हो 13 जुलाई को होगा दोपहर 12 बजे तक। और सेकेंड राउंड में जो आपका चॉइस फिलिंग का डेट है, तो मैं बता दिया हूँ 14 जुलाई तक आपको चलेगा, 10 बजे से 5 PM तक, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा आपको, वो होगा आपको 15 जुलाई से 17 जुलाई को। और रिजल्ट जो डिक्लियर होगा वो होगा 18 जुलाई को। और नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग का डेट है वो 18 जुलाई से स्टार्ट होगा और 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आपको मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। तो मॉपअप राउंड होता है आपका ऑल इंडिया कोटे के लिए, मॉपअप राउंड नहीं होता है। मॉपअप राउंड स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है 85% के लिए। तो जो स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया 15% के तहत अगर सीट नहीं मिलता है, तो स्टेट लेवल काउंसलिंग करें और वहां से आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।